हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल द टाइमसेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज हम जिक्र करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रीप्यूशियल ग्लैंड। एक अदर ग्लैंड्स में आता है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ अदर ग्लैंड्स, क्योंकि ये खास तरीके की इसके लिए कोई ऑर्गन स्पेशली नहीं होती। इसे ग्लैंड्स माना जाता है क्योंकि उससे कुछ खास तरीके की मटेरियल्स या सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जाने वाली बात यह है कि ये जो प्रीप्यूशियल लिखा है ग्लैंड्स, इसी से नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन से भाग से है। तो आपको पता है कि मैं जो बताया था ग्लैंड्स पेनिस, वो मैंने बताया था कि ये जो ग्लैंड्स पेनिस होता है उसकी जो ऊपर की फोरी स्किन होती है, क्या होती है, फोरी स्किन। ठीक है, वो किससे बनी होती है, प्रीप्यूस से बनी होती है, उसे प्रीप्यूस कहते हैं। वही क्या प्रोड्यूस करता है, प्रीप्यूशियल ग्लैंड का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें प्रोड्यूस कैसे होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस ग्लैंड से कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, वो क्या चीज़ हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो लिखेंगे प्रीप्यूस कंटेन प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स। ठीक है, प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स वो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता है, तो क्या लिखेंगे, विच प्रोड्यूस विच प्रोड्यूस अ सीबीसीएस सबस्टांस। ठीक है, वो सीबीसीएस सबस्टांस क्या होता है, तो लिखेंगे इसमें जाने वाली बात है कि जो सीबीसीएस सबस्टांस होता है या जो सीबीसीएस ग्लैंड होती है वो ऑयल जैसा प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हम लोग आमतौर पर फेस पर दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये सीबीसीएस सबस्टांस हम लोग के इस ग्लैंड्स में, इसमें जो इपिडर्मल सेल्स होती है उससे मिलकर कुछ चीज़ें बनाता है। क्या बनाता है और कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर आगे लिखेंगे सीबीसीएस सबस्टांस विच टुगेदर विथ डेस्क्वामेटेड मेटेड ईपीडर्मल सेल। ठीक है, ये ईपीडर्मल सेल से मिलकर ये चीज़ें ईपीडर्मल सेल इससे मिलता है, किससे मिलता है, इससे मिलता है, तो क्या बनाता है, लिखेंगे सेल्स फॉर्म वाइटिस पेस्टी फाउल स्मेलिंग एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन और उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड स्मेग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है स्मेग्मा। ठीक है, अब ये चीज़ें कहाँ लोकेट करती हैं, मैं इसको अभी बताता हूँ आपको। इसको समझिए कि जो प्रीप्यूस जो होती है वो आपको जो फोर स्किन होती है किसकी, ग्लैंड्स पेनिस की, वो प्रीप्यूसियल ग्लैंड कंटेन करती है, जिसके वजह से वो सीबीसीएस ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। उस वो एपिडर्मल सेल से मिलकर कुछ चीज़ें बनाता है, जैसे कि वाइटिस यानी सफ़ेद पेस्ट जैसा होगा और उसकी स्मेल बहुत ही फाउल होगी, बैड स्मेल होगी। वो आपको देखे होंगे अगर आप मेल जेंडर से बिलोंग कर रहे हैं या उससे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पर देखिए, मैं फिगर थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़े सी इसी गड्ढा सा होता है, यहाँ से फिर यहाँ ऐसे, तो यहाँ से जो स्पेस खाली रहती है उसमें क्या होती है, वाइटिस पेस्टी और फाउल स्मेलिंग होती है, जिसे निकाल देना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ख़राब होती है और ये प्यूबर्टी इससे पहले ज़्यादा होती हैं। अगर इसे फ्रेश ना किया गया तो ये चीज़ें स्मेल करने लगती हैं फाउली। ठीक, अब ये चीज़ें कहाँ लोकेट करती हैं, तो लिखेंगे अबाउट द बेस ऑफ द ग्लैंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था ग्लैंड्स पेनिस द प्रीप्यूस। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जितनी भी मैंने एसेसरी सेक्स ग्लैंड बताया था, जिसमें से आपका
कॉपर्स ग्लैंड था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, सेमिनल वेसिकल था, और ये एक्स्ट्रा ग्लैंड है जो कि हम लोग के फोर स्किन के एक थोड़ा सा धसा धसा ऐसा हिस्सा होता है, उसमें ये वाले सबस्टांस बनते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है। हमने जितनी भी एसेसिड सेक्स ग्लैंड बताई थी वो था जिसकी यूज़ थे, उसके वजह से स्पर्मेटोजोआ को कैपेबल बनाता था स्विम करके जाकर वो फर्टिलाइज कर सके ओवा से, साथ ही साथ वो उसके पास एनर्जेटिक एनर्जी के लिए बना रहा था। लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ये बनता रहता है, तो ये अदर ग्लैंड्स में आएगा, इसका कोई यूज़ नहीं है हम लोग के लाइफ में। ये बहुत ही ख़राब स्मेल करता है और इसके कलर्स में व्हाइटिश होता है, पेस्टी होता है। तो और फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सके, क्योंकि ये चीज़ें सबको ही जानता है पर इसके बारे में साइंटिफिक और साइंस के रीज़न से नहीं जानता कि वो क्या चीज़ें हैं। उसका सोचते लोग यूज़ है लेकिन इसका यूज़ बिल्कुल नहीं है, इसको रिमूव किया जा सकता है। तो कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।